नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए काम करने वाली संस्था मातृ सदन ने एक बार फिर से अनशन की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी से मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधनंद अनशन पर बैठेंगे। और वहीं हरिद्वार में शुरू होने जा रहे आस्था के पर्व महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेले के दौरान गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा घाटों पर आस्था कलश रखने की योजना बनाई गई है। हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर नमामि गंगे योजना के तहत 256 बड़े आस्था कलश रखे जाएंगे। मेलाधिकारी दीपक रावत ने इन आस्था कलश का निरीक्षण कर बताया कि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और अक्सर देखा गया है कि श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद अपने पुराने कपड़े गंगा जी में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गंगा प्रदूषित होती जा रही है। ऐसे में ये आस्था कलश हर की पौड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर रखे जाएंगे। देखते होंगे कि हरिद्वार में आपने अक्सर देखा होगा घाटों के किनारे श्रद्धालुगण आते हैं और कई बार अपने पुराने जो वस्त्र हैं वो घाट में त्याग देते हैं या गंगा जी में ही त्याग देते हैं। इस कलश के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि गंगा जी में वस्त्रों को इस तरह से न त्यागें, जो भी उनके कपड़े हैं वो इस कलश में रखें और इस कलश के नीचे कुछ छोटे छोटे छेद हैं जिसमें से कि अगर पानी है तो वो बाहर निकल जाएगा और फिर इसमें जो हमें कपड़े मिलेंगे इसके हम बहुत से अलग तरह के इसके यूजेस हो सकते हैं, जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इसके कुछ और आइटम्स बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं और गंगा जी भी इसमें कम मैली होगी। आगे जाके ये हमारे स्ट्रक्चर्स पर फंस जाता है, कई बार हमारे घाटों पर फंस जाता है और वहाँ पर फिर और कबाड़ा जमा होता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और कुल मिला के 256 आस्था कलश लगाए जाने हैं जो हम अलग अलग घाटों पे इनको प्लेस करेंगे। जनपद पौड़ी गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पौड़ी के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए बताया कि एनएसयूआई आगामी 26 फरवरी 2021 को नौकरी दो या डिग्री वापस लो की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के बेरोजगार युवा और छात्र अपनी डिग्री लेकर पहुंचेंगे। जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने बताया कि केंद्र सरकार ने युवाओं से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जिसे वो भूल चुके हैं। आज छात्र छात्राओं की महंगी शिक्षा लेने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये कदम उठाया जा रहा है। दो या डिग्री वापस लोगे तहत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो पूरे उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, आगामी 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे और मेरे खुद हमारे भी एक जिला अध्यक्ष होने के नाते पौड़ी जिला से कम 250 से 300 लोग उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई नीरज कुंदन जी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी, बीजेपी अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी, वो कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिभाग करने वाले हैं। हल्द्वानी में महिला डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल देने निकली छात्रा लापता हो गई है, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा मुस्कान प्रैक्टिकल देकर वापस आ रही थी, इसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि पुलिस टीम लापता छात्रा की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उसका मोबाइल सर्विलांस में लगाया गया है, जल्द से जल्द छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। कल 8:30 बजे घर से निकली थी तो हमने इसे ऑटो में उठाया था तो महिला डिग्री कॉलेज के लिए। उसके बाद 11:30 बजे का फ़ोन आया कि मम्मी मैं आ रही हूँ, और 11:30 बजे फ़ोन इसका आते ही उसके बाद थोड़ी देर बाद स्विच बंद हो गया इसका। उसके बाद हमने कहा 11:30 बजे घर पहुँच जाएगी, उसके बाद 11:30 बजे घर भी पहुँची, स्विच बंद, कल से अभी तक स्विच बंद जा रहा है। हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर रिपोर्ट दी तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्दी जल्दी उसे ढूंढे, हमारी बच्ची हमें मिल जाए। 1 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है, विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश और शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सुरक्षा बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र का आयोजन सफल तरीके से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर भी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र से पहले सभी विधायकों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया जाएगा। और वहीं लालकुआ पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रमोद कुमार शाह ने कोतवाली का निरीक्षण किया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने कोतवाली के मालखाने, हवालात, स्टोर रूम और दस्तावेजों आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने पुलिसकर्मियों से हथियार संबंधित जैसे खोलना और बंद करना, उन्हें चलाने की जानकारी भी ली है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने पुलिसकर्मियों को हथियारों की साफ सफाई रखने के कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं।
नशे के बढ़ते कारोबार और नशे के कारोबारियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने 4.5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे कनखल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। COCT अभय प्रताप ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कनखल थाना क्षेत्र के श्रीयंत्र मंदिर के पास बने पुल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।